बलरामपुर में छठवें चरण में 3 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और नामांकन के पांचवें दिन भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जहां नामांकन के बाद दोनों ने अपनी अपनी सरकार बनाए जाने का दावा भी किया। वहीं सपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने नामांकन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। आज हमने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय योगी जी पूरी बहुमत से सरकार बनने जा रहे हैं, 300 प्लस सरकार बनने जा रहे हैं। हमारी सरकार में जो काम हुआ है, विकास हुआ है, उसके नाते जनता हमको चाहने लगी, चाह रहे हैं और हम फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और जो विकास किए हैं, विकास में जो अधूरा बचा है कोरोना के नाते, वो विकास हम करके दिखाएंगे। आज जो है हमने एक स्टेटमेंट दाखिल किया है और बाकी कल दाखिल करेंगे। इन मुद्दों को लेके आप क्या विजन है? देखिए, भाजपा सरकार के जो 5 साल का योगी जी का कार्यकाल है और 8 साल का प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, डबल इंजन सरकार, तो मुद्दे है भयंकर, भीषण कमर तोड़ महंगाई, भीषण बेरोजगारी, सत्ता के संरक्षण में अपराध, भ्रष्टाचार, विकास के पैसे की लूट और जो है महिलाओं का जो है अपहरण, महिलाओं के साथ बलात्कार, किसानों के फसल की लूट, किसानों की हत्या, किसानों की जो है निर्मम हत्या, सामूहिक हत्या, ये सब तमाम मुद्दे हैं और विकास तो मेन मुद्दा ही। जनपद बलरामपुर में छठवें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया 4 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है। 4 विधानसभा जनपद बलरामपुर के अंतर्गत आते हैं, बलरामपुर सदर, उतरौला, तुलसीपुर तथा गैसड़ी। चारों विधानसभाओं का नामांकन लगभग चालू हो चुका है। कल 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें कांग्रेस के धीरेन्द्र प्रताप सिंह तथा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जगराम पासवान सदर सीट से किए थे। वहीं धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने उतरौला से नामांकन किया था। आज भी 2 बड़े दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन करने पहुंच चुके हैं। उतौला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम प्रताप वर्मा तथा गैसड़ी से पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी यादव नामांकन करने पहुंच चुके हैं। आज वो अपना नामांकन कर चुके हैं और उसके बाद अब चुनावी जो रणनीति है वो तेजी पकड़ रही है। सभी पार्टियाँ अपने जीत के दावे कर रहे हैं। नामांकन की जो व्यवस्थाएँ हैं वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं, काफ़ी कड़ी हैं। कोई भी प्रत्याशी 3 अपने 2 समर्थकों के साथ ही अंदर आ सकता है। कलेक्ट्रेट गेट से बाहर ही सभी को रोका जा रहा है और निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं की गई हैं कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त तरीके से कराई जा रही है। और जाहिर है कि चुनाव कोविड अनुपालन कराना है तो निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएँ हैं वो काफ़ी संतोषजनक दिख रही हैं। हमारे दाहिने तरफ आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जाकर एसपी यादव यहाँ पहुँच रहे हैं, जो आज अपना नामांकन गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। आप इससे पहले विधायक रहते मंत्री भी रहे हैं समाजवादी सरकार में और आपके ऊपर फिर से समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताते हुए पुनः प्रत्याशी बनाया है। आप आज नामांकन करेंगे। दूसरी तरफ तो उतरौला से पूर्व विधायक जो वर्तमान में इसमें विधायक हैं भाजपा के, वो नामांकन कर रहे हैं। उनको भी दूसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा के द्वारा और वो भी आज अपना नामांकन कर रहे हैं। इसके बाद क्योंकि 11 तारीख तक नामांकन होना है तो अभी इसके बाद और जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन आगे करेंगे। कुछ लोग 9 तारीख को आ सकते हैं, कुछ 10 और कुछ 11 को जो अंतिम दिन है उस दिन सभी लोग अपना नामांकन करेंगे। हालांकि इसी बीच अभी 2 सीट तुलसीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। वहां कयास लगाया जा रहा है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ये एक विषम परिस्थिति ही बनेगी, कब नामांकन क्लियर करेंगे और कब वो नामांकन के जो भी हो वो स्पष्ट हो जाएगा आज से कल तक और 11 तारीख के पहले नामांकन किया जाना है। उसके